तो ये तो इतना इजी है कि जो ये 42 है इसको हम बोलेंगे मल्टीपल, मल्टीपल। और किसका मल्टीपल है ये? सर 6 और 7 का। हाँ वेरी गुड। सो 42, अगर हम यहां लिखें 42 इज मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 6 एंड 7। 6 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है। और फिर हम लिखेंगे 6 एंड 7 आर आर फैक्टर्स, सर फैक्टर्स ऑफ 42 वेरी गुड, 6 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ 42 एंड 42 इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड 7। अगर आप जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे इज लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि हम एक नंबर की बात कर रहे हैं इसलिए इज लगाया। यहाँ पे आर लगाया, क्यों? क्योंकि हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं इसलिए मुझे आर लगाना पड़ा है इस सेंटेंस में। और हमने मल्टीपल में ये भी देखा कि हमें कैसे पता चलेगा कि 6 क्या है, 6 42 का मल्टीपल है। तो हम 42 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से वो 42 बनता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो जहां पे हमें रिमाइंडर 0 मिले हम कह सकते हैं कि ये दोनों 6 और 7 42 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और जहां पे रिमाइंडर 0 है उसको हम बोलते हैं कि ये 42, 42 जो है, जो मल्टीपल है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और पूरा पूरा डिवाइड होने को क्या हमने कहा इंग्लिश में, क्या बोलेंगे? 42 इज डिविजिबल, डिविजिबल, डिविजिबल 7। यानी कि 42 जो है वो 6 और 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर मैं 42 को 6 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 0 होगा, अगर 42 को 7 से डिवाइड करूं तब भी तो फिर हमने हमने ये भी देखा कि डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने कुछ बताए थे, याद है आपको? सर। डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि किसी नंबर से डिवाइड पूरा पूरा होता है या नहीं होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स। जैसे अगर मैंने 2 से देखना है तो 2 का क्या रूल है, कैसे चेक करूंगा मैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? जैसे कोई नंबर है मान लो 4257 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या ये डिविजिबल है? पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है 2 से? बताओ यस और नो। सर नो सर, क्योंकि वाई नो? सर 2 के टेबल में सर 7 नहीं आता। हाँ वेरी गुड। तो हम सिर्फ 7 को देखेंगे, यानी कि जो वंस के प्लेस में हमें सिर्फ उसी को देखना है। ये अगर इवन है या 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। और अगर ये जो वंस की प्लेस में अगर कोई ऑड है, जैसे 7 तो ऑड नंबर है, तो ये आंसर विल बी नो। और 3 का रूल क्या है? चलो आदर्श, नहीं कौन है, आदर्श है,
यस मैम, यस सर। बताओ थ्री का क्या रूल है? सर थ्री का रूल है कि सर जितने भी नंबर है सर सबको प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद जो जो नंबर आएगा अगर वो थ्री से डिवाइड हो रहा है तो सारे नंबर थ्री से डिवाइड होंगे। हाँ, अब जैसे ये एग्जांपल में देखें 346, क्या ये थ्री से डिवाइड होगा? नो सर, ये तो थ्री से नहीं होगा क्योंकि इनको हम पहले डिवाइड करेंगे जल्दी से। 6 + 4 = 10, 10 + 3 = 13, 13 तो थ्री से डिवाइड नहीं होता है पूरा पूरा, इसलिए आंसर इज नो, ये पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। रिमाइंडर कुछ आ सकता है लेकिन डिविजिबल जब हम कहेंगे दैट मींस रिमाइंडर शुड कम जीरो। नाउ व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर? अगर कोई नंबर मैंने देखना है और मैंने देखना है उसमें वो फोर से डिवाइड होता है कि नहीं, जैसे 2,428 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या क्या चेक करना है? मैंने 4 को कैसे चेक करेंगे कि 4 से पूरा डिवाइड होता है नंबर या नहीं होता है? सर हम फर्स्ट दो नंबर को चेक करेंगे। कौन से फर्स्ट क्या नंबर को? सर 28 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो सर पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो फर्स्ट टू नंबर्स को, यानी कि जो टेंस और वंस पे मिला के नंबर है, 8 जो है वो वंस की प्लेस पे है और 2 टेंस की प्लेस में, तो इन दोनों नंबर को हम मिला के देखेंगे कि क्या वो 4 के टेबल में आता है। 4 7 28, दैट मींस ये पूरा का नंबर होगा। वेरी गुड। अब फाइव का रूल क्या है? शाबाश, कौन बताएगा? फाइव से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता है, कैसे चेक करते हैं? चलो नीलेश बताएगा, बताओ नीलेश। माइक ऑन करो। हाँ बोलो। सर मैं बताऊं? नहीं, नीलेश से, नीलेश को बोलने दो। हाँ याद है नीलेश? चलो फिर देखते हैं, आदर्श बोलेगा, आप ध्यान से सुनो। हाँ बोलो आदर्श। सर अगर पूरे नंबर में अगर कभी कहीं पूरे नंबर में कहीं भी अगर 5 या फिर 0 होगा तो नहीं, कहीं कहीं भी नहीं, फर्स्ट नंबर वंस वंस की प्लेस को देखना है। वंस की प्लेस पे अगर 5 या फिर 0 होगा तो फिर वो 5 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ तो हमें सिर्फ वंस के प्लेस को देखना है, वंस के प्लेस पे 5 हो या 0 हो तो 5 से होगा। दैट मींस ये जैसे 4015 जो है इज, यस इट इज डिविजिबल बाय 5, तो ये तो रूल हो गया 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। अब देखते हैं रूल 6 का क्या रूल होता है। 6 का रूल कौन बताएगा? नीलेश ने तो नहीं देखा, आदर्श ने देखा क्या? सर मेरी मम्मी थी सर, मम्मी ने फोन नहीं दिया सर, मैं पेपर चल रहे थे, मम्मी ने मुझे फोन बिल्कुल नहीं दिया था सर, इसलिए मैं वीडियो नहीं देख पाया था। तो ये जब भी टाइम मिले इन वीडियोस को आप फिर से देख सकते हो, इससे और याद हो जाएगा। तो 6 का रूल देखते हैं। 6 का रूल है,
सिक्स का रूल है कि टू कोई भी नंबर उस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय बाय टू एंड थ्री, यानी कि हम टू और थ्री के दोनों रूल्स अप्लाई करेंगे. टू और थ्री के रूल्स तो हमें मालूम है, ये अगर कोई नंबर टू से भी डिवाइड होता है, अगर टू में भी यस है और थ्री में भी यस है, तब वो सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टू थ्री जा सिक्स होता है. लेकिन एंड है, यानी कि दोनों होना चाहिए. अगर एक नंबर टू से होता है और थ्री से नहीं होता है तो सिक्स से नहीं होगा, एंड लिखा हुआ है. इसलिए ये एंड इंपॉर्टेंट है. एंड मींस कि वो दोनों से होना चाहिए डिविजिबल. जैसे मान लो कोई नंबर है 3524 डिवाइडेड बाय 6, क्या यस है नो है? सर यस है. क्यों? क्योंकि सर इस नंबर में 3 और 2 दोनों है. हैं? 3 और 2? नहीं नहीं, 3 और 2 नहीं देखना है. 3 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए. दैट मींस 2 और 3 के रूल्स आपने पहले देखने हैं. डिजिट 3 और 2 को नहीं देखना है, 3 और 2 के रूल्स यूज करने हैं. जैसे 2 का रूल क्या है, पहले 2 का यूज करते हैं. 2 का है कि लास्ट का इवन होना चाहिए. इवन है दैट मींस हाँ, 2 के लिए तो यस है. ये नंबर 3524 2 से डिवाइड होगा, इसलिए मैंने यहाँ यस लिखा. अब मैं देखता हूँ 3524 को ऐड करें, 3 और 5 14 तो 3 से नहीं होता है. That means 3 का रूल में आंसर आएगा नो. तो 6 का आंसर क्या है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हमारे को एंड होना चाहिए. एंड यानी कि 2 में भी यस होना चाहिए और 3 में भी यस होना चाहिए. 3 में यस नहीं है, दैट मीन्स 6 में भी आंसर विल बी नो. दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट This is not divisible by 6. समझ में आया? Yes, sir. निलेश, आपको समझ आया? Yes, sir. यानी कि दोनों रूल्स को टेस्ट करना है आपने. इसको भी देखना है और इसको भी देखना है. और अगर एक में नो होगा एक में यस होगा तो 6 का भी नो है. दोनों में यस होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, फिर 6 से भी यस होगा. अब हम देखते हैं 7 का रूल. 7 का थोड़ा सा लेंथी है. उसमें क्या है कि थोड़ा सा ऐसे देखना है, अगर एक नंबर है जैसे 432, तो हमने जो वंस का प्लेस है, वंस का जो प्लेस है, उस डिजिट को हमने डबल करना है. डबल मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो जैसे ये 432 है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 4. सर 4. फिर इस 4 को जो बाकी के नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखो अभी देखो हम इसको यहां पे मैं दिखाता हूं. ये वाला यहां पे मैंने इसीलिए आपको देखो यहां दिखाया था डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7. इस लिंक को क्लिक करते हैं. देखो ये अच्छी तरीके से समझा रही है मैम, तो हम जल्दी से देख लेते हैं.
वॉच ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब पे देखते हैं। अरे यूट्यूब पे नहीं चल रहा, तो हम इसको इस लिंक को देखते हैं। इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल। ये तो 6 का होगा। 36 5 में देखते हैं 7 7 5 भी आता है, 4 भी आता है। बाय 11 द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये तो 11 44 7 का नहीं दिखा रहे। दिस ट्रिक्स एंड प्रिटेंड दैट इसमें देखते हैं ये दिखा रहे हैं क्या, 7 का रूल दिखा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे लास्ट टू डिजिट्स आर, ये तो 4 का हो गया, ये 6 का हो गया, ये भी 7 का नहीं दिखा रहे। 11 9 का 9 का 10 ये भी रोक देते हैं। मैं आपको 7 का बताता हूँ। सेवन का क्या है कि जो कहाँ गया, बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे दिखाता हूँ सर, जो फर्स्ट नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सर जो आंसर आएगा उससे हम बाकी बचे हुए नंबर को माइनस करेंगे। हाँ तो बाकी क्या बच गया, 43 माइनस 4 39 तो 39 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है ना, 7 5s are 35, 7 6s are 42, तो 39 अगर ये जो बाकी जो बच गया अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं है तो दैट मींस इस ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। जैसे मान लो अगर ये 35 में अगर हम 4 ऐड करें, 39 कौन सा नंबर देखें हम, जैसे हम देखें 446, कोई ऐसा नंबर बताओ, या चलो मैं नंबर ही देख लेता हूँ। अगर हम देखें 7 को हम मान लो 7 को 42 into 7 मान लो 290, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से एक नंबर लिखता हूं मैं। 7 का रूल देखना हमने, ठीक है। जैसे एक नंबर मैं लिखता हूं 294 डिवाइडेड बाय 7, तो पहला स्टेप क्या है कि जो वंस के प्लेस में उसको डबल करेंगे, यानी कि उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 आ गया। फिर जो बाकी का नंबर बच गया 29, उसमें से 8 माइनस करेंगे, तो 29 माइनस 8 कितना होता है, 21। तो क्या 21 7 से डिवाइड होता है? यस सर। ये हाँ, दैट मींस जो ये नंबर है 294 ये भी 7 से होगा। यस, अगर आप बोलो चलो इसको चेक करते हैं क्या ठीक बोल रहे हैं, 294 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 4s are 28, 29 minus 28 is 1, फिर इस 4 को नीचे लाया हो गया 14,
सेवन टू जो 14, रिमाइंडर जीरो। तो जहां पे रिमाइंडर जीरो हो दैट मीन्स ये वाला नंबर सेवन से डिवाइड होगा पूरा सेवन और 42। तो 209 हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 294 के क्या कौन 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 से दो फैक्टर्स हैं बताओ। फोर एंड टू। फोर एंड टू का है तो सेवन। सेवन एंड वन नहीं है बेटे, ये है सेवन से जब हमने ये डिवीजन देखो ना, लॉन्ग डिवीजन देखो, जब मैंने सेवन को 42 से मल्टीप्लाई किया तो वो पूरा 294 बन गया। तभी तो जब मेरा रिमाइंडर जीरो होता है इसका मतलब है ये दोनों मेरे फैक्टर्स बन गए। जो मेरा आंसर 42 आया उसको अगर मैं वापस सेवन से मल्टीप्लाई करूं तो फिर से 294 हो जाएगा। दैट मीन्स सेवन मल्टीप्लाइड बाई 42 इज इक्वल टू 294। सो मैं कैसे कह सकता हूं, मैं इसको आई कैन स्टेट दैट 294 इज मल्टीपल ऑफ 7 एंड 42। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 7 एंड 42 आर फैक्टर्स ऑफ 294। तो अभी देखो हम इसको, चलो इसी को नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। 294 को मैं यहां लिखता हूं 294। अब मैं क्या बनाऊंगा, एक ट्री बनाऊंगा। ट्री और उसको हम नाम देंगे फैक्टर ट्री, यानी कि फैक्टर्स का ट्री बन जाएगा। देखो 294 के दो फैक्टर्स तो हमको पता चल गए, एक 42 है एक 7 है। तो मैं इसको एक फैक्टर लिखूंगा 7, एक लिखूंगा 42। अब 42 के दो फैक्टर और बना सकता हूं मैं, 7 के तो नहीं बनेंगे, मतलब 7 का तो 7 इंटू 1 बन सकता है जो इटसेल्फ, और 1 के फैक्टर है उसको हम भूल जाते हैं। ओके मेरे पास कौन से दो फैक्टर हैं, 7 और 42। 42 के दो फैक्टर और बन सकते हैं, किससे डिविजिबल है 42 7 6 जा 42। तो 42 के दो और फैक्टर बन गए। अब फिर से 7 आ गया, उसका तो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है उसको भूल जाते हैं। 6 के फिर से दो फैक्टर्स बन जाएंगे सर, 3 एंड 3 टू सा। तो अब देखो मेरे 42 के, सॉरी इस 294 के कौन कौन से फैक्टर हैं, एक ये 7 है, एक ये 7 है, एक ये 3 है, एक ये 2 है, जो लास्ट में बच जाएंगे। तो इसको ऐसे क्या कह रहे हो सर, ऐसे तो एलसीएम और एचसीएफ होते हैं। हाँ वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए अगर मैं बोलूंगा 294 के मेरे को फैक्टर्स बताओ तो मैं लिख सकता हूं 7 ये वाला मल्टीप्लाइड बाय ये 7 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 2। तो ये चारों मेरे फैक्टर्स बन गए। किसके फैक्टर्स हैं, 294 के, ठीक है। अभी तो हम यहां पे हमने देखा, अभी ये कौन सा रूल देख रहे थे हम, 7 का, 7 का रूल याद रहा ना, यस सर, कि जो वंस के प्लेस पे नंबर है उसको हम डबल करते हैं और जो हमारा डबल मिलेगा उसको बाकी के नंबर से 29 से माइनस किया 21 हो गया। 21 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स जो है हम इसीलिए देखते हैं कि हम जल्दी से
उनके फैक्टर्स बना पाए। तो इसी तरीके से आगे हम देख सकते हैं 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का। अभी अभी के लिए इतने इतने काफी हैं। और 9 का तो सेम है, जैसे 3 का है वैसे ही 9 का भी है, क्योंकि 3 3 9 होता है। जो सम जैसे 236, इनको ऐड करो, अगर वो डिविजिबल बाय 9 होगा तो ये पूरा नंबर भी 9 से होगा। अभी हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। मालूम है आपको क्या होते हैं प्राइम नंबर? शाबाश, कौन बताएगा? प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो 2 के टेबल में आता है। नहीं, 2 के टेबल में नहीं, वो तो इवन नंबर होता है। प्राइम नंबर होता है जिसके फैक्टर, जिसके फैक्टर्स या तो 1 हो या वो खुद का हो, इटसेल्फ। जैसे अगर 2 एक नंबर है, क्या 2 प्राइम नंबर है? भाई 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि इसका या तो 1 फैक्टर है या इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद का नंबर। तो ये जो 2 है ये प्राइम नंबर है। इसी तरीके 3 का भी 3 1 3 प्राइम नंबर। हाँ, अब 4 नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 का तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी है। तो इसके जो फैक्टर हैं 4 के, वो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी है। 1 और इटसेल्फ का होता ही होता है हर एक में, लेकिन 4 का तो 2 और 2 भी फैक्टर है। दैट मींस ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर। 5 प्राइम नंबर है। हाँ, 4 प्राइम नंबर नहीं है। जो प्राइम नंबर नहीं है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, लिखो कॉपी में, कंपोजिट नंबर। लिखा? तो अगर हम देखें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, जैसे मैं मान लो मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 तक चलो लिख लेते हैं। अब इन 20 तक जो जो नंबर्स प्राइम हैं, उनको हम एनसर्कल करते हैं। उसमें सर्कल, 1 तो है ही प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, यस सर, 3 प्राइम नंबर है, यस सर, 4, नो सर, 5, यस, 6, नो, Why no? क्योंकि इसके तो 2 into 3 है, so ये प्राइम नहीं है। 7 है, 8 नो, 9 यस सर, क्यों 9 भी नहीं है? क्यों 9 के तो फैक्टर्स हैं 3 multiplied by 3, 10 नो सर, ये भी नहीं है, नो सर, 11 यस सर, 12 नो, नो सर, 13 यस सर, 14 नो सर, 15 यस सर, नो सर, है नो, कहाँ प्राइम का है? 15 के तो फैक्टर्स हैं 3 into 5 नहीं है ये, दैट मींस
15 प्राइम फैक्टर नहीं है, 16 सर है नहीं है 16 के तो 2 × 8 है। अब आपको, अब आप बोलोगे सर कैसे पता चला कि ये, अभी हम जल्दी से डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं। अरे ये तो इवन नंबर है यूनिट का, इसका मतलब है ये 2 से होगा, और अगर 2 से होगा तो दैट मींस ये प्राइम नहीं है। 17 ये प्राइम, 18 सर नहीं सर, 19 यस यस सर, 20 नो सर। तो अब ये जो जो जिनको हमने सर्कल किया वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, और जिनको सर्कल नहीं किया है वो क्या नंबर है सर? कंपोजिट नंबर। हाँ, दीज आर कंपोजिट नंबर इनका, इसका मतलब है इनके कुछ फैक्टर्स हैं, वन और इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर है। जैसे अभी 16 के हमने देखे 2 और 8 है, तो ये जो मैंने रेड किए हैं दे आर ऑल कंपोजिट्स नंबर्स, और जो व्हाइट से एनसर्कल किए हैं दे आर प्राइम नंबर्स। ओके सर, अगर अब मैं कहता हूं, अब मैं आपको एक नंबर देता हूं, यहां मैं लिखता हूं फाइंड फैक्टर्स ऑफ 20, तो आप क्या बताओगे? 20 को आप फैक्टर ट्री बना सकते हो। 20 के फैक्टर्स क्या क्या हैं सर? 20 के सर 2 और सर 10। तो अगर मैंने लिखा फाइंड फैक्टर्स ऑफ 20, तो आप आंसर में ये बस इतना ही लिख सकते हो, 20 and 10। लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगा फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, यानी कि आपने फैक्टर्स तो निकालने हैं लेकिन वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब जैसे यहां 2 तो प्राइम मिल गया हमारे को, लेकिन 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब है हमें 10 के आगे फिर फर्दर प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। सर 4 4 कहां से आएगा? 10 को जब आप या तो 2 से डिवाइड करोगे तो अगला नंबर 5 होगा। तो अब 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 20 के सर 2 10 2 5। नहीं, 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 जो सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये एक फैक्टर 2 है और एक 10 है, लेकिन 10 के तो हमने आगे और 2 प्राइम फैक्टर्स निकाले। तो जो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो तो ये वाले हैं, 2 ये वाला, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 5। सो 20 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो ये तीनों हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ फैक्टर बोलूं, प्राइम नहीं बोलूं, तब तो आप यहां पे भी रुक सकते हो। आप बोलोगे ये दोनों फैक्टर्स हैं, वो आंसर करेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं प्राइम फैक्टर्स पूछूंगा तो आपको ये यहां तक इसको आगे डिवाइड करना है, इस 10 को भी आगे डिवाइड फैक्टर्स में डिवाइड करना है। याद रहेगा? यस सर। अब मैं यहां लिखता हूं फाइंड अपनी कॉपी में फटाफट करो, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 सर, करना है? करो जल्दी। हाँ अभी करना है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48।
तो 48 हम पहले लिखेंगे, उसके दो फैक्टर हम लिख सकते हैं। 48 किससे डिविजिबल होगा, तो अगर आपने देखना है किससे डिविजिबल है, आप जल्दी से छोटे नंबर से, छोटे प्राइम नंबर से देखो, पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। अब 48 तो आपको लग रहा है 2 से हो, अगर एक एक मैंने 2 से किया तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा, वो कैसे मिलेगा, जब हम 48 को 2 से डिवाइड करें तो तो 24 आ जाएगा। तो उसको अब ऐसे ही हम फिर 24 के हम दो फैक्टर निकालेंगे 2 and 12, फिर 12 के निकालेंगे 2 into 6, फिर 6 के निकालेंगे 2 into 3। तो अब मेरे को बताओ प्राइम फैक्टर ऑफ 48 क्या होंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ 48 सर 3। यस सर। 3 कहां से आ गया, क्या सबसे नीचे, नहीं सर, ये दैट मींस आप कह रहे हो कि 48 इज इक्वल टू 3। नो सर। फिर इन ये जो लास्ट में, जिनको लास्ट में हमने सर्कल किया, देखो जो प्राइम नंबर्स होंगे, ये 2 तो प्राइम नंबर है, 24 तो नहीं है, 24 के तो आगे हमने दो फैक्टर्स और बना दिए, तो ये फिर 2 आ गया, इसको एन सर्कल किया, ये नहीं है, फिर 12 के और दो कर दिए, ये 2 और ये 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, 6 के आगे और दो बनाए, अब 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो जो ये लास्ट में हमने सर्कल किए ये सारे कौन कौन से, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 3, ये सबों का प्रोडक्ट है 48, यानी कि आपने सबों को लिखना पड़ेगा, इस 3 को लिखा, फिर इस 2 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 को लिखा, इन सभी प्राइम नंबर्स का 48 प्रोडक्ट है या मल्टीपल है। तो ये सारे के सारे क्या है, दे आर प्राइम फैक्टर। हाँ, एक तो फैक्टर्स हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे दे आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके प्राइम फैक्टर, 48। वाह, वेरी गुड। और अगर मैं पूछूंगा 48 इज मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है, इन सबों का, 3 का भी, 2 का भी, 2 का भी, 2 का भी, 2 का भी, ठीक है। अभी अभी यहां पे तो हमने, यहाँ पे हमने, अरे अपने स्पीकर ऑन किए, आदर्श स्पीकर ऑन नहीं करो आप, अभी तक तो नहीं स्पीकर ऑन था। ये जो हमने ऐसे बनाया इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री, हाँ इसको हम बोलेंगे, ये पूरा ऐसे ये ट्री की शक्ल में है, इसको हम बोलेंगे फैक्टर ट्री। या अगर देखा जाए तो ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो लास्ट में है जिनको हमने ये ब्लू सर्कल से किया वो प्राइम फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं दिखाता हूं। अगर मैं 48 लिखूं और इसके फैक्टर्स निकाल लें,
तो हम जल्दी जल्दी इसको लॉन्ग डिवीजन करते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन से तो बहुत टाइम लग सकता है, तो हम लॉन्ग डिवीजन ही करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका ऐसे है, ऐसे लाइन ड्रॉ किया। ऐसा हम एलसीएम और एचसीएफ भी कर सकते हैं। हाँ वो तो बाद में आएगा ना, एलसीएम का मीनिंग क्या, पहले प्राइम फैक्टर्स तो बनाओ। पहले देखो आप 48 को अगर मैंने डिवाइड करना है तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे 8 है, इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, इट इज डिविजिबल बाय 2, तो मैं 2 से करता हूं। अब जैसे लॉन्ग डिवीजन में मैं ऐसे 48 को ऐसे डिवाइड करता हूं, अब ये जो ऐसे मैंने बनाया डिवीजन का ये ब्रैकेट जैसा, इसके बदले मान लो मैंने ये ऐसे ये ऐसे ऐसे लिख दिया, ऐसे बना दिया, तो जो ऊपर क्वोशेंट लिखता हूं वो मैं नीचे लिखता हूं, यहां पे लिखूंगा, तो मैं पहले 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 2 4, रिमाइंडर 0, फिर इस 8 को करूंगा 2 4 8, तो मैंने उल्टा कर दिया, ऐसे लिखने के बदले मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर क्वोशेंट ऊपर नहीं लिखा, नीचे लिखा, तो अब मेरे को, अब मैं इस 24 को भी फिर से डिवाइड करूंगा, किससे कर सकता हूं, फिर मुझे दिख रहा है अरे ये तो फिर इवन नंबर है, इसका मतलब अभी ये 2 से फिर डिवाइड हो सकता है, तो मैं 2 से करूंगा, 2 1 2 2 2 4, तो क्वेश्चन 12 आ गया, 12 फिर से 2 से हो सकता है, 2 6 12, 6 के फिर हमें मालूम है कि प्राइम फैक्टर्स हैं, ये फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 6, और लास्ट में ये मेरे को प्राइम नंबर मिल गया, तो मेरे ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए, 2 2 2 2 एंड 3, तो मैं लिख सकता हूँ 48 के प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखूंगा, 2 into 2 times 2 times 2 times 3, ओके ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे लॉन्ग डिवीजन ऐसे करने की कोशिश करो, शुरू में शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करने से जल्दी जल्दी होगा, इसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या बोलेंगे, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम फैक्टर्स बनाना या प्राइम फैक्टर्स ढूंढना, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको एक सम देता हूं, आप जल्दी से मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ, फाइंड, या फाइंड भी नहीं लिखता हूं, सीधा लिखता हूं, डू प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, अब यहां नंबर लिखता हूं मैं, कोई मान लो मैं लिखता हूं 60 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ मेरे को, ऐसे लाइन खींचनी है, इसको डिवाइड करना है, फिर से उसको डिवाइड करना है, फिर उसको डिवाइड करना है, तो जो यहाँ पे आपको प्राइम लास्ट में जो प्राइम फैक्टर्स मिले वो मेरे को आपने बताने हैं। शाबाश करो, ये एक एक स्टेप, ये वाला स्टेप भी करना है, मुझे बताना कौन किसका हो गया।
तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है, जैसे ये 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं, फिर आपने कोई और नंबर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 36, 36 के भी प्राइम फैक्टर्स बनाओ, ठीक है? ये प्रैक्टिस वर्क है, इसकी खूब प्रैक्टिस करना। प्राइम फैक्टराइजेशन ये हम पढ़ रहे हैं।